निवासी हैं। सरा क्या मामला हुआ जिसको लेकर आप लोग यहाँ ट्रामा सेंटर में इकट्ठे हैं? शाम को 8 बजे इन्होंने वो बाल डाले छल्ला बोलते हैं डॉक्टर जितेंद्र यादव ने, और उसके बाद में 4 बजे बहुत ख़त्म हो गई, और उसके बाद में आज तक का कल तक का टोटल पेमेंट इन्होंने कर रखा था, ठीक है। और उसके बाद में एक 1.25 लाख का मतलब ये बना के बिल दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उनसे, किस बात का बिल दे रहे हैं, किस बात का बिल, पैसे मांग रहे हैं, और पैसेंट भी ख़त्म हो गया। तो वो इसके मामले में मैं इसके मैनेजमेंट से मिल के आया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, सुन निकला। 1 लाख कट जाओ मैं वापस कर दूंगा, डॉक्टर से बात करूंगा, ये उन्होंने कह सकते। तो पेशेंट के किस तरह की हालत थी जब आपने भर्ती कराया था? तो जब घर से लेके आए बहुत सुंदर थी, और 6 दिन हो गया, 7वां दिन है, 6 दिन से इन्होंने कहा कि गैस प्रॉब्लम है, और कल अटेंडर में इन्होंने कहा कि मतलब इसके वो ब्लॉक हो गई है, छल्ले डालने पड़ेंगे। तो वो छल्ले डलवाए गए, ठीक है, आप डालिए, और डालने के बाद वही पैसा मात्र 40,000 से इसका, बाकी इन्होंने 1.25 लाख का बिल बना दिया। इस तरीके से ये मतलब मरीजों के साथ बदतमीजी और उतारते हैं, बदतमीजी बोल रहे हैं, और क्या डॉक्टर नहीं, डॉक्टर कोई डॉक्टर मिलते नहीं देता, ठीक है, मरीज मर रहा है, मरते रहा, परेशान हो रहा होते रहा। आपके हिसाब से आपका पेशेंट कितने बजे खत्म हो चुका था? तो इन्होंने बाद में दवाई लिखी है, लगभग 4 बजे मिलने नहीं दिया, फिर मिलने नहीं दिया, बाद में डायरेक्ट पता ही नहीं क्या बजे, जब 4 बजे देखा तो मालूम पड़ा खत्म। ऑपरेशन के कितना चार्ज, फीस वगैरह कितनी बताई थी आपको? 40,000 तय थे डॉक्टर साहब। अब कितने रुपए की मांग कर रहे हैं? अब 1.25 लाख की। इसमें किसकी लापरवाही लग रही है आपको? डॉक्टर की और मैनेजमेंट की। तो क्या अभी सबको आपको सपोर्ट किया, नहीं किया अभी तक? अभी नहीं किया। डॉक्टर का नाम क्या था जानते हो? जितेंद्र यादव। क्या मामला हुआ जिसकी वजह से आप ट्रामा सेंटर में इकट्ठे हुए? हमारी बीमार हुई थी, मैं रात में लेके आया, गैस बन रही थी, मैंने कहा एडमिट क्या करना पड़ेगा, एडमिट किया, एडमिट करने के बाद मैंने कहा दिल में हार्ट अटैक करने के बाद दिल काम नहीं कर रहा था, भर्ती कर दिया। उसके बाद 3-4 दिन हुए इन्होंने एंजियोग्राफी नहीं की, फिर मैंने कहा BMT बढ़ा हुआ है अभी तो सर एंजियोग्राफी नहीं करेंगे, फिर उन्होंने कर दी। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला इनका ऑपरेशन एंजियोग्राफी हो रही है, छल्ला लगवाना पड़ेगा, एक उसका 30,000 रुपये खर्चा आएगा और 10,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज है, कर तो जाओ, तीसरा छल्ला लगाया जैसा और पड़ेगा वो भी उन्होंने करवाने की बोल दिया, मारती है तो क्या पहले से तबीयत वगैरह पहले से ज़्यादा खराब थी या बोला? तबीयत खराब नहीं, कल ही एडमिट किया था पहली बार। पेशेंट क्या नाम है माता जी का? मिलने भी नहीं देते पेशेंट से। कहाँ के निवासी हैं? अब कितने रुपए की मांग कर रहे हैं ये लोग? 40,000। तो इसमें किसकी लापरवाही लगी आपको? आपको मतलब डेड की सूचना कब मिली आपको? 4 बजे में क्या चाय चलाने के लिए, चाय आपके हिसाब से मरीज कब खत्म हुआ था? 11 बजे बाद में 11 बजे अभी क्या यहाँ मौके डॉक्टर वगैरह कोई है यहाँ पे? अभी कोई नहीं, कोई आ नहीं रहा है, 2 दिन तक डॉक्टर नहीं आते। तो क्या डॉक्टर बॉडी को देने के लिए क्या कहा है आपसे? बॉडी दे दी आपको? पैसे जमा कराओ।